आज पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को उनके जन्मदिन व पुण्यतिथि पर याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बिंदुखता क्षेत्र को बसाने वाले यूपी व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय एनडी तिवारी की प्रतिमा को आज तक उचित सम्मान नहीं मिल पाया है। करीब 1 लाख की आबादी वाले बिंदुखता में कई एकड़ जमीन होने के बावजूद स्वर्गीय एनडी तिवारी की प्रतिमा आज भी बदहाली में अपने उचित स्थान व सम्मान का इंतजार कर रही है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व जब इतने बड़े बिंदुखता क्षेत्र में प्रतिमा के लिए उचित स्थान नहीं मिला तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही प्रतिमा स्थापित कर दी थी। बिंदुखता के हजारों घरों को बिजली पहुंचाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की प्रतिमा को रात के अंधेरे में एक रोशनी तक नसीब नहीं हो पाई है। रोशनी सिर्फ सेंचुरी पेपर मिल की दीवारें पर लगी लाइटों से ही दिखाई देती है। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। पाणी जी एक बिंदुखत्ता ही नहीं उत्तराखंड ही देश के एक महान नेता थे, महान विकास पुरुष थे, जिन्होंने इस उत्तराखंड को, इस उत्तर प्रदेश को, भारत को विकास की गति दी। और यहाँ पर दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, एक वही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड में जितने भी छुटकुल बसे, आज जितने भी लोग यहाँ पर, ये चाहे पेपर मिल हो या रुद्रपुर में जितने भी इंडस्ट्री लगी हैं या सितारगंज में लगे हैं, देहरादून, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं, सब उन्हीं की देन है। आज लोगों को तमाम रोजगार मिला हुआ है और वो ये बिंदुखत्ता उनकी देन है। सब भी बिंदुखत्ता में आज जो हजारों लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ये सब माननीय तिवारी जी की देन है। इसलिए हम सभी मिलकर आज उनको एक विकास पुरुष के तौर पर और एक यहाँ के जन जन के नेता, जन जन के वो मानते हुए उनको, उनका सम्मान में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। देखिए, सबसे दिग्गज और महान राजनीतिक थे और वही समाजवादी भी थे। वो अमीरों के साथ साथ गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये उनको आता था। और इस कार्य को उन्होंने बखूबी किया भी है। उन्होंने इस क्षेत्र में तमाम उद्योग धंधे खोले, शुटगुल खोला, बिंदुखत्ता जैसा इतना बड़ा गांव, ये सब एनडी तिवारी की देन। उनको पता था कि पहाड़ के लोग बड़े मुखलिसी में रहते हैं, गाड़ के जरों में बड़ी दिक्कत होती है, भूस्खलन, तमाम देवी आपदाओं से लेके। उन्होंने यहाँ पर लोगों को सहयोग भी किया है और इस बिंदुखत्ते को आज जो आधुनिक बिंदुखत्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो हमारे नरेंद्र तिवारी जी की देन है और वो सचमुच में एक विकास पुरुष था। हमने जो भी काम करे विकास पुरुष ने संज्ञा भी थी और विकास पुरुष तिवारी जी का बड़ा प्रभाव आज रहता है। आज जब तक नरेंद्र तिवारी जी थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम था। उनके उससे यहाँ पर कांग्रेस कई बार यहाँ पर रिपीट हुई और सरकारें बनी। आज उनका अभाव है कि हमारे पास एक ऐसा नेता नहीं है जो विकास को देखते हुए यहाँ पर काम करे। आज सब लोग यहाँ बिंदुखत्ता नहीं, पूरे नैनीताल जिला, प्रदेश हमारा सुना सब की कमी यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि आज उनके पुण्यतिथि और उनके जन्मतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री जो मतलब उनके उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने दो दो प्रदेशों का जो मुख्यमंत्री काल संभाला और केंद्र सरकार में भी वो विभिन्न जो है मंत्रालयों में उन्होंने कार्य किया है और उन्होंने विकास के लिए कोई प्रथा नहीं छोड़ी है। इसलिए लोग आज भी उनको बड़े उससे याद करते हैं। आज हम लोगों ने पंडित जी का जो है यहाँ पर जन्मदिन और उनकी जयंती दोनों एक साथ मनाई। मैं तो वही देखिए बिंदुखत्ता की वसासत में यहाँ के लोगों को बसाने में तिवारी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर तिवारी जी नहीं होते उस समय तो ये बिंदुखत्ता कब के उजड़ चुका होता। हम लोग जो है सभी लोग, जितने भी कांग्रेस जन है, सच्चे मन से तिवारी जी को जो हम आज भी याद करें।